लगभग 14 से 15 घंटे बिताए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ। उनके साथ हम करीब करीब ओडिशा की 4 रैलियों में गए और फिर अब हम कोलकाता में हैं और रात के लगभग लगभग 11 बज रहे हैं जब हम ये संवाद कर रहे हैं। तो अमित जी, ये चुनाव आखिरी दौर में अब लगभग लगभग पहुंच चुका है, 5 चरण समाप्त हो गए हैं और आप दावा कर रहे हैं कि चौथे चरण के बाद ही बीजेपी को 270 के पार चली गई है, तो ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस? मैं मानता हूं कि हमारी स्थिति काफी अच्छी है, हम 400 पार करेंगे। हर जगह पे, हर चरण के बाद और चुनाव की रैलियों के बाद मैं कार्यकर्ताओं के से फीडबैक लेता हूं। जो जमीन पर लड़ाई लड़ते हैं हमारे, जो लोगों के संपर्क में होते हैं, हमारे विरोधी दलों की रणनीति को जो जमीनी स्तर पर इसका मुकाबला करते हैं, तो मुझे लगता है किसी भी सर्वे से यह असेसमेंट करीब करीब सत्य के नजदीक हो। 2004 में UPA 1 की कांग्रेस की सरकार आई तो 145 सीटें उनकी आई और 2009 में जब सरकार रिपीट हुई तो 206 सीटों के साथ हुई, तो तीसरी टर्म की गवर्नमेंट थोड़ी टफ रहती है, हमने वर्ल्ड वाइड ये देखा है। क्या आपको लगता है अमित भाई कि बीजेपी के लिए ये आसान क्यों है? देखिए, ऐसे कोई ट्रेंड्स के आधार पर चुनाव के नतीजों का आकलन नहीं होता है। ट्रेंड्स की बात करनी है तो इस देश में 30 साल से हंग पार्लियामेंट चलती थी, 14 में पूर्ण बहुमत की सरकार आई, 19 में फिर पूर्ण बहुमत की सरकार आई, तो ट्रेंड्स तो तोड़े हैं हमने, कई बार तोड़े हैं और इस बार भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी और NDA 400 पार करेगा। अगर 272 का आंकड़ा, जादुई आंकड़ा पार भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाती तो प्लान बी क्या होगा बीजेपी का? कोई प्लान बी नहीं है, इसका क्वेश्चन डज नॉट अराइज। जी, प्रियंका गांधी ने हाल ही में इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस की वजह से इस देश के अंदर लोकतंत्र है, अगर एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बना है तो वो कांग्रेस की देन है। मुझे नहीं मालूम है ये लोग क्या बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की वजह से देश के लोकतंत्र पर भयंकर कुठाराघात कई बार हुए हैं। प्रियंका जी की दादी ने इमरजेंसी डाली थी, 1,30,000 लोगों को बिना कारण जेल में डाल दिया था, सारे अखबारों के एडिटोरियल इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर तय करते थे, उनको शायद इतिहास मालूम नहीं है, ना किसी ने ब्रीफ किया है शायद उनको। कांग्रेस के वजह से लोकतंत्र नहीं है, इस देश की 130 करोड़ की जनता की वजह से इस देश में लोकतंत्र है, क्योंकि हमारे यहां लोकतंत्र की स्पिरिट सालों पुरानी है और अब ये पाताल से गहरी हो चुकी है, इसको कोई नहीं बदल सकता। क्या आपको लगता है, क्योंकि आप अपने भाषणों में बोलते हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं कि इंडिया अलायंस जो है, इंडिया गठबंधन जो है, वो 5 साल में 5 प्रधानमंत्री देगा और हमने नहीं, पहले समझ लो भाई, हमने नहीं कहा है, इंडिया गठबंधन के एक नेता ने कहा है कि हमारे पास अभी नेता नहीं है, हम बारी बारी एक एक साल सत्ता संभालेंगे। वो कहते हैं हमारे पास युवा भी है, हमारे पास बुजुर्ग भी है, हमारे पास हर वर्ग का नेता है, तो हमें, हम नेता तय कर लेंगे, सरकार बन जाए एक बारी। नहीं, वो नहीं, वहां तक नहीं रुकते, 5 साल एक एक प्रधानमंत्री बनाएंगे, वहां तक जाते हैं। जी, क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी ने एक अपने कार्यक्रम में बोला कि इस बार रायबरेली की जनता जो है वो सिर्फ एक सांसद नहीं चुन रही, वो प्रधानमंत्री को चुन रही है, क्या आपको लगता है विपक्ष भी थोड़ा कॉन्फिडेंट हुआ है बीते 5 चरणों में? तो रायबरेली की सीट जीतने के लिए शायद उन्होंने कहा होगा, वो भी जान रहे हैं, मुझे तो मालूम नहीं, मगर उनका वैकेशन का प्लान भी तय होगा 4 तारीख के बाद का। लेकिन उद्धव ठाकरे भी कह रहे हैं कि मैं तो मोदी जी को पूर्व प्रधानमंत्री कहा करूंगा, मैं तो शपथ ग्रहण का न्योता देता हूं अमित शाह जी को और प्रधानमंत्री मोदी को। चलिए, अच्छी बात है, अब 1 तारीख को सब चीजें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। शरद राव पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी, उनका आरोप है कि ये पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा और वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि रियल पार्टी हम हैं और बीजेपी ने हमारे साथ हमारी पार्टी को तोड़ दिया है। देखिए, मुझे एक बात बताइए, अगर शरद पवार जी अजीत पवार को अपना वारिस घोषित करते तो पार्टी टूटती क्या? और उद्धव जी अपने बेटे की जगह एकनाथ शिंदे को आगे करते तो पार्टी टूटती क्या? इनकी पार्टियां अपने पुत्र पुत्री मोह के कारण टूटी हैं और वो कहीं और जाकर कारण ढूंढ रहे हैं, तो उनको कभी सफलता नहीं मिलेगी।
लेकिन क्या आपको लगता है कि वो एक नीचे की तरफ एक सिंपैथी का मैसेज देने में कामयाब रहे? देखिए, सिंपैथी उनके लिए रहती है जिनके साथ अन्याय हो। उद्धव जी ने तो अपने सिद्धांत, अपना गठबंधन जी तोड़कर हमें डीच करने का काम किया था। मैं नहीं समझता इनको किस प्रकार की सिंपैथी की अपेक्षा है। आपके पास महाराष्ट्र के भी ट्रेंड्स आए होंगे, क्या कहना चाहते हैं आप महाराष्ट्र में? देखिए, महाराष्ट्र में कमोबेश हम हमारी स्थिति को बनाकर रखेंगे, इसमें कोई बड़ा उलटफेर नहीं होगा। आपकी टैली इंप्रूव हो सकती है महाराष्ट्र में? अभी बाकी है थोड़ा चुनाव, परंतु मैं मानता हूं कि हम हमारा बेस बनाकर रखेंगे। रैली में आपने बोला कि अरविंद केजरीवाल एक यूटर्न नेता है, किस कारण से आपने बोला? इन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, पॉलिटिक्स में कभी नहीं आएंगे, और फिर पॉलिटिक्स में आके पार्टी बनाई, अन्ना बिचारे डालेगांव सिद्धी चले गए। फिर कहा मैं कभी मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, तीन तीन बार मुख्यमंत्री बन गए। इन्होंने शपथ पत्र पर कहा था हम सरकारी सुविधाएं नहीं लेंगे, बंगलो भी ले लिया, गाड़ी भी ले लिया, सिक्योरिटी भी ले ली, और बंगलो ऐसा बना दिया कि जो दो तीन बंगलों को तोड़कर गैर कानूनी तरीके से अपना बंगलो बनाने का उन्होंने काम किया है। मैं मानता हूं कि ये सारी चीजें यू टर्न से भी बड़ी भयानक है। उन्होंने कांग्रेस के करप्शन के खिलाफ बात करी, उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा तो शीला दीक्षित के करप्शन में वो जेल में जाएगी। आज वही कांग्रेस के साथ मिलकर वो हमारे सामने चुनाव लड़ रहे हैं। तो सीरीज ऑफ यू टर्न लेने का काम श्री केजरीवाल ने किया। अरविंद केजरीवाल अपनी रैलियों में अक्सर कहते हैं कि 2 जून